नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केरल के मुन्नार हिल स्टेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में नए आए हैं तो टूरिज्म दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मुन्नार केरल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये जिला इडुक्की में स्थित है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। जिंदगी की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर ये जगह लोगों को अपनी ओर खींचती है। 12,000 हेक्टेयर में फैला चाय की खूबसूरत बागान यहाँ की खासियत है। दक्षिण भारत की अधिकतर दर चाय इन्हीं बागानों से आती है। मुन्नार एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन नदियों का संगम। यहाँ आपको तीन नदियाँ मधुरपुझा, नालात्मी और कुंडली एक ही स्थान पर मिलती हुई दिखाई देंगी। मुन्नार के पर्यटन स्थलों की सैर बहुत सुखद महसूस प्रदान करने वाली होती है, विशेषकर यहाँ के अच्छे और सुखदायक मौसम के कारण। सीमा पर स्थित होने के कारण मुन्नार शहर के पड़ोसी राज्य जैसे तमिलनाडु से कई सांस्कृतिक संबंध है। पर्यटन गंतव्यों की भारी मांग के बाद ये हिल स्टेशन दुनिया भर में केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में लोकप्रिय होने लगा है। देश के विभिन्न शहरों और बाहरी देशों से आने वाले लाखों पर्यटक और पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए ये हिल स्टेशन एक शानदार जगह है, जहां वो अपनी छुट्टियां मजे से बिता सकते हैं। यहाँ पर चिड़ियों को देखना भी एक बहुत लोकप्रिय गतिविधि है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई प्रकार की दुर्लभ प्रजातियों का घर भी है। इतना ही नहीं, यहाँ ट्रैकिंग, बोटिंग और गोल्फिंग का भी आनंद उठाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं मुन्नार के मुख्य पर्यटन स्थलों को। यह है रोज गार्डन। मुन्नार का रोज गार्डन 2 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये खूबसूरत जगह जो अलग अलग किस्म के पौधे से भरी हुई है, जिसमें मसाले, इलायची और वेनिला जैसी फसलों और कई अन्य फलों के पेड़ शामिल है। ये जगह मुन्नार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो समुद्र तल से 3,500 फीट की ऊंचाई पर है। दिल को छू लेने वाले फूल और रंग बिरंगे फूल इस जगह को धरती पर एक छोटा सा स्वर्ग बना देता है। भले ही बगीचे को रोज गार्डन के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ कई अन्य पौधे और पेड़ भी पाए जाते हैं। यह है इको पॉइंट। मुन्नार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध इको पॉइंट है। अपनी कुदरती प्रतिध्वनि और परिघटना के लिए लोकप्रिय है। 600 फीट की ऊंचाई पर लोग आसपास के इलाके के हरियाली में गपशप करते हुए घूमना पसंद करते हैं। ये एक आदर्श पिकनिक स्थल है। यहाँ से आपको घाटी का बेशुमार खूबसूरती से भरा दृश्य दिखाई देगा। यह है अन्नामुड़ी पीक। अन्नामुड़ी पीक दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। अन्नामुड़ी शब्द का तमिल अर्थ है हाथी का सर। इस पहाड़ को ये नाम इसीलिए मिला है क्योंकि इन पहाड़ियों की आकृति एक हाथी की सर की तरह लगती है। इस चोटी पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये आसमान को छू रहा हो। जब नीचे की ओर देखते हैं तो चाय की बागान का खूबसूरत दृश्य मन मोह लेता है। पहाड़ में वन्य जीव भी रहते हैं, जिसमें अधिकतर नीलगिरी तहर और हाथी भी दिखाई देते हैं। ट्रैकिंग और फोटोग्राफी का शौक रखने वाले पर्यटकों के लिए अन्नामुड़ी की चोटी सबसे बेहतर जगह है। यह है लक्कम वाटरफॉल। लक्कम वाटरफॉल बागबुराई स्टेट के पास स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। बागबुराई घाटी लक्कम वाटरफॉल की सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीन पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक और अलौकिक सौंदर्य से भरा हुआ टूरिस्ट प्लेस है। यह है पुनर्जानी ट्रेडिशनल विलेज। पुनर्जानी मुन्नार शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर पल्ली बासल में स्थित है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। प्रतिदिन यहां 1 घंटे के लिए कला से संबंधित शो आयोजित किया जाता है। आप मुन्नार के साथ साथ इस सांस्कृतिक स्थल के दर्शन करके भी आनंद में खो जाएंगे। यह है टी म्यूजियम। ये म्यूजियम अपनी शैली का देश का पहला चाय संग्रहालय है। ये मुन्नार हिल स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस म्यूजियम में सदियों से हो रहे चाय की खेती और उसके विकास को दर्शाता है, जिसमें चाय रोलर से लेकर वर्तमान की ऑटोमेटिक चाय फैक्ट्री बनाने तक बयां होता है। टी म्यूजियम में चाय की अब तक के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे कि किस प्रकार की चाय की फसल होती है, कैसे उसे खेतों से चुना जाता है, कौन सी मशीनों इस प्रोसेस करने में इस्तेमाल होती है और किस तरह ये हमारी प्याली तक पहुँचती है।
ये है अथुकुड वाटरफॉल। अथुकुड वाटरफॉल मुन्नार में स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो मुन्नार से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर कोची रास्ते में स्थित है। ये जगह ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए आदर्श है। मुन्नार घूमने के लिए आने वाले सैलानी इस जगह पर जरूर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह घने जंगलों और हरे भरे इलाकों से घिरा हुआ है। मानसून में ये जगह और भी खूबसूरत लगती है, इसीलिए ये झरना पर्यटकों का एक मुख्य आकर्षण है। यह अरबिकुलम नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान जो संकटग्रस्त नीलगिरी तहर का आवास क्षेत्र और अभयारण्य है। इस अभयारण्य में लोग नीलकुरुंजी फूलों की खूबसूरती निहारने भी दूर दूर से आते हैं, जो हर 12 साल पर एक बार खिलते हैं। अगली बार ये फूल 2030 में खिलेंगे। ये अभयारण्य 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसके अंदर लोगों के लिए रोमांचक स्थल है, जहाँ कुछ अनोखे पल बिताए जा सकते हैं। यह है कुंडला डैम और लेक। कुंडला डैम और लेक बहुत ही आकर्षक जगह है। यह समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान मुन्नार से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंडला बांध एशिया महाद्वीप का पहला आर्क बांध है। पर्यटक इस झील तथा बांध को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ कश्मीरी शिकारे की नाव चलाने की अद्भुत आनंद भी टूरिस्ट लेते हैं। यह है ब्लॉसम पार्क। ब्लॉसम पार्क वाटर साइकिलिंग, स्केटिंग तथा बोटिंग के लिए फेमस है। इसमें ट्री हाउस, रोप वे, छोटे छोटे स्थान बहुत ही रोमांचक और आकर्षक है। ये भी मुन्नार का बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। यह है फ्लोरिकल्चर सेंटर। मुन्नार यात्रा में यहाँ के फ्लोरिकल्चर सेंटर घूमने जरूर जाइए, जो कि अपने हर्बल पौधे के लिए बहुत अधिक फेमस है। यह मुन्नार की प्रमुख आकर्षित जगहों में से एक है। दोस्तों, हर किसी को हाथी की सवारी का आनंद लेना बहुत पसंद होता है। मुन्नार से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलिफेंट अराइवल स्पॉट हाथी की सवारी के लिए फेमस है। जंगल घूमने के लिए आप यहां हाथी की सवारी कर सकते हैं, जो कि एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति है। दोस्तों, मुन्नार में घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। आप अगर कभी केरल की यात्रा करेंगे तो मुन्नार घूमने जरूर जाएं। मैं मुन्नार के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मुन्नार की हिल स्टेशन सुखद मौसम वाली है, जहां पर्यटक सालों के किसी भी दौर में विजिट के लिए जा सकते हैं। मुन्नार केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दक्षिण भारत के सभी भागों से इस बेहतरीन गंतव्य स्थल के लिए टूरिस्ट पैकेज उपलब्ध है। पर्यटक यहां आकर अपनी सुविधा अनुसार रहने के लिए होटल, रिसॉर्ट और होम स्टे हाउस का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे टूरिज्म दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।